मिस्टर विल्किन ग्लोबल स्पोकन इंग्लिश। क्या वो दिन गए, अब ये हिमाकत कौन करता है? वो क्या कहते हैं उसको, हाँ मोहब्बत कौन करता है? मियाँ वो दिन गए, अब ये हिमाकत कौन करता है? वो क्या कहते हैं उसको, हाँ मोहब्बत अब कौन करता है? तेरी खता नहीं जो तू गुस्से में आ गया, तेरी खता नहीं जो तू गुस्से में आ गया, पैसे का जोर था तेरे लहजे में आ गया, और सिक्का उछाल कर तेरे पास क्या बचा, सिक्का उछाल कर तेरे पास क्या बचा। और ये शायरी देखिए कि मैंने पूछा था कि इजहार नहीं उसका, माहौल बन ही गया है तो मैं भी कुछ अर्ज कर दूं। जरा पाने की चाहत में बहुत कुछ छूट जाता है, जरा सा पाने की चाहत में बहुत कुछ छूट जाता है, तुझे मनाओ तो मुझसे जमाना रूठ जाता है, और मोहब्बत पढ़ने लिखने में बहुत आसान है, लेकिन मोहब्बत पढ़ने लिखने में बहुत आसान है, लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। मैंने पूछा था कि इजहार नहीं हो सकता, दिल पुकारा कि खबरदार नहीं हो सकता, जिससे पूछे तेरे बारे में यही कहता है, जिससे पूछे तेरे बारे में यही कहता है, खूबसूरत है वफादार नहीं हो सकता, और तुम समझते हो गलत है, किसी दिन ये भी समझाना है तुमको, और सुला चुकी थी ये दुनिया थपक थपक के मुझे, माय फेवरेट शेर कि सुला चुकी थी ये दुनिया थपक थपक के मुझे, जगा दिया तेरी पौजेब ने खनक खनक के मुझे, और कोई बताए कि मैं इसका क्या इलाज करूं, कोई बताए कि मैं इसका क्या इलाज करूं, परेशान करता है ये दिल धड़क धड़क के मुझे, और ताल्लुकात में कैसे दरार पड़ती है, ताल्लुकात में कैसे दरार पड़ती है, बता दिया किसी कमजर्फ ने छलक के मुझे, मुझे रोना नहीं आवाज भी भारी नहीं करनी, मुझे रोना नहीं आवाज भी भारी नहीं करनी, मोहब्बत की कहानी में अदाकारी नहीं करनी, मुझे रोना नहीं आवाज भी भारी नहीं करनी, मोहब्बत की अदाकारी में, मोहब्बत की कहानी में अदाकारी नहीं करनी, और हमारा दिल जरा उकता गया था घर में रह रहकर, हमारा दिल जरा उकता गया था घर में रह रहकर, यूं ही बाजार इश्क आए हैं खरीदारी नहीं करनी। और लास्ट शायरी मल्ली, मियाँ वो दिन गए अब ये हिमाकत कौन करता है, मियाँ वो दिन गए अब ये हिमाकत कौन करता है, वो क्या कहते हैं उसको, हाँ मोहब्बत कौन करता है, मियाँ वो दिन गए अब ये हिमाकत कौन करता है, वो क्या कहते हैं उसको, हाँ मोहब्बत अब कौन करता है, तेरी खता नहीं जो तू गुस्से में आ गया, तेरी खता नहीं जो तू गुस्से में आ गया, पैसे का जोर था तेरे लहजे में आ गया, और सिक्का उछाल कर तेरे पास क्या बचा, सिक्का उछाल कर तेरे पास क्या बचा। और ये शायरी देखिए कि मैंने पूछा था कि इजहार नहीं हो सकता। श्रोता बंधुओं को हमारा सप्रेम नमस्कार, आदाब सलाम। बहन भाइयों, अंग्रेजी की बढ़ती हुई जरूरतों को देखकर उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर आप अच्छी नौकरी करना चाहते हैं या आप किसी इंटरव्यू में जाना चाहते हैं तो बगैर इंग्लिश के ये संभव नहीं है। तो बहन भाइयों, देर किस बात की, नए बैच के लिए एडमिशन ओपन हो चुका है। अगर आप अपना उज्जवल भविष्य बनाना चाहते हैं तो इंग्लिश स्पीकिंग के लिए आप आज ही आइए, कल पर मत डालिए।